नमस्कार, मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी नव वर्ष 2021 पर। नव वर्ष हमारे लिए लेकर आया है नई उमंग, नई उम्मीदें, नया साल जो कि ताजगी से भरा होगा, क्योंकि 2020 में दुनिया भर में कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसलिए 2021 है उम्मीदों का साल। इसलिए आज हम आपको बताएंगे नए साल पर क्या करने से सारी परेशानियां होंगी दूर और कैसे आपको तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। नए साल में सफल पाने के लिए करने होंगे कौन से उपाय, आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि देशवासियों के लिए नया साल ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहने वाला है। भारतवर्ष की वृषभ लग्न की कुंडली में भाग्य भाव में शनि स्वराशि के और बृहस्पति अपनी नीच की स्थिति में कंजक्ट है। राहु और चंद्रमा की दृष्टि है, यह समय नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट भारत पर डालेगा। जैसे फरवरी के मंथ में भारत की कुंडली में नवम भाव में 6 बड़े ग्रहों के द्वारा प्रभावित होने के चलते किसी कानून में बदलाव से उथल पथल मच सकती है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लेवल के लोग हैं उनमें डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, परंतु किसानों के लिए एक अच्छी खबर भी होगी कि अच्छी वर्षा की वजह से रबी की फसल अच्छी होगी। शनि के कारण भाग्य भाव में बाधा एवं प्रयासों में धीमी गति से सफलता के योग बनेंगे। राहु के कारण रोग और कष्ट के योग बन सकते हैं और केतु भी अपयश के कारक सिद्ध होगा। भारत के लिहाज से देखें तो वृषभ राशि के लिए शनि के प्रतिकूल प्रभाव जरा कम होंगे, परंतु गुरु ग्रह व्यापार और रोजगार में कठिनाइयों एवं परेशानियों के बाद सफलता प्रदान करेगा। अब बात करते हैं नए साल में परेशानियों से मुक्ति के उपायों की। तो सबसे पहले वो जातक जो मुकदमों के फेर में उलझे हैं और उन्हें अपने नए साल पर क्या उपाय करने चाहिए कि वह मुकदमे में उन्हें जीत मिले। तो आप जब भी सुनवाई के लिए घर से बाहर निकलें तो अपने साथ एक मुट्ठी भर सफ़ेद चावल ले जाएं, ध्यान रखें वो टूटे हुए ना हो। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि मंगलवार, गुरुवार या अमावस्या के दिन बिना टूटा हुआ भोजपत्र खरीद लाएं। फिर जिस व्यक्ति से आपका मुकदमा चल रहा है उसका नाम अनार की लकड़ी द्वारा लाल चंदन से उस भोजपत्र पर लिखें और शहद की डिब्बी में डुबो कर रख दें। इस टोटके से शत्रु का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वह आपके लिए करा हुआ मुकदमा वापस ले लेगा। आप इसके ये ना करना चाहें तो आप कोई और उपाय ये कर सकते हैं कि आप जब भी कोर्ट जाएं उससे पहले घर में पूजा स्थल पर 4 गोमती चक्र स्थापित करें, उनकी पूजा करें और जब कोर्ट जाने लगे तो इन गोमती चक्रों को अपनी दाहिनी जेब में रख लें। आप देखेंगे कि फैसला आपके हक में हुआ और आपको विजय प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कलह मुक्ति के उपायों की। जिस भी व्यक्ति के घर में रोज झगड़े रहते हों, कलह रहता हो, उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं उसका फोर्थ हाउस में दोष पाया जाता है। साथ ही उस व्यक्ति का चंद्र और लगन इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो उन कलहों को आसानी से संभाल सके। इसके लिए आपको करने हैं सबसे कुछ इम्पॉर्टेंट उपाय। रात्रि को सोने से पहले किसी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर गाय के शुद्ध घी में डुबोकर उसको जला दें। दूसरा उपाय, यदि पति पत्नी में आपस में बहुत झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, तो यह टोटका उनकी पत्नी रात को बिना बताए करें और थोड़ा सा कपूर लेकर पति के तकिए के नीचे रख दें और सुबह बिना टोके हुए चुपचाप उस कपूर को जला दें और उसकी राख को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से घर में शांति बनी रहेगी और पति पत्नी में आपस में प्रेम बढ़ेगा। उपाय 3, घर की कलह को दूर करने के लिए गृह स्वामी को पीपल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। साथ ही पीपल के पौधे को रोपना और एक बड़े पेड़ में तब्दील होने तक निरंतर उसकी देखभाल करनी चाहिए। अब बात करते हैं नज़र दोष से मुक्ति की। यदि आपके घर में किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है और अगर आप नज़र दोष से परेशान हैं तो ज़रूर आजमाएं इन उपायों को। तो सबसे पहले घर के अंदर प्रत्येक रविवार के दिन उपले पर कपूर और गुड़ रखकर उस पर थोड़ा सा घी डालकर जलाएं। इस उपाय से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल दूर हो जाएगी। दूसरा, मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष पंचमुखी दीप प्रज्वलित करें और अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में चलाएं। घर में पॉजिटिव एनर्जी का निवास होगा। बात करते हैं ग्रह दोष से मुक्ति के उपायों की। कुंडली में मौजूद ग्रह दोष की स्थिति में हमेशा
उक्त ग्रह के बीज मंत्र का जाप सर्वदा लाभकारी रहता है। यदि आपकी कुंडली में राहु दोष हो तो रोजाना आपको राहु के बीज मंत्र की एक माला का जाप डेली करना चाहिए। यदि आप केतु मंत्र की पॉजिटिविटी अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं और उसके नेगेटिव प्रभावों से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो केतु के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम केम केतवे नमः की एक माला का जाप रोजाना करें। यदि आप अपनी जिंदगी में सूर्य के अच्छे उपाय चाहते हैं और अपना नाम और फेम चाहते हैं तो आप सूर्य के बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का एक माला का जाप रोजाना सुबह करें। सभी ग्रहों में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़े ग्रह हैं और सबसे पॉजिटिव ग्रह हैं। जिन्होंने इतना कुछ पॉजिटिव देना है वो नौ ग्रहों में बृहस्पति देव ने देना है, तो इस ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए बृहस्पति देव के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का एक माला का जाप रोजाना हम सबको ज़रूर करना चाहिए। आपको चाहिए यदि मंगल की एनर्जी, मंगल की फोर्स, तो मंगल के बीज मंत्र का जाप ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः की एक माला का जाप रोज़ाना कीजिए। आपको स्ट्रेंथ एनर्जी और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि शनि देव भाग्य भाव में अभी भारत की कुंडली में गोचर कर रहे हैं और जितना भी हमारा वर्क है मशीनरी है वो शनि देव गवन करते हैं, तो उन चीज़ों में सफलता के लिए ओम शन शनि शनिश्चराय नमः की एक माला का जाप आप रोज़ाना करें। शनि देव के गुड इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कर्ज मुक्ति से उपायों की। वह जातक जिनका सिक्स हाउस बहुत कमज़ोर है और वो एक बार कर्ज के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो वह उससे बाहर नहीं निकल पाते और उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आज हम बात करेंगे वो आसान उपाय जिनको करके आप कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहला उपाय, शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रारंभ कर प्रतिदिन ऋण हंतो गणेश स्त्रोत्र का पाठ करें। इस उपाय से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, वास्तु दोष नाशक हरे रंग के गणपति घर के मुख्य द्वार के आगे और पीछे दोनों साइड में लगाएं, इससे धन में वृद्धि होगी। तीसरा, आप मंगलवार के दिन लाल मसूर का दान करें। नंबर चार, यदि किसी से कर्ज लेना हो तो वह बुधवार के दिन ले और मंगलवार के दिन किसी को उधार कभी ना दें और ना ही लें। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो बुधवार के दिन सवा पाव मूंग उबाल कर उसमें गुड़ और घी मिलाएं और इसके बाद किसी गाय को खिलाएं। यह प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को करनी होगी। इस उपाय से कर्ज से शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी। बजरंग बली जी के मंदिर में जाकर बजरंग बली पर तेल व सिंदूर चढ़ाएं, इससे श्री बजरंग बली कर्ज से मुक्ति दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। अब बात करते हैं साल 2021 को बेहतर बनाने के लिए कुछ ज़रूरी और आसान उपाय या टिप की जो हम सभी को ज़रूर करने चाहिए। जैसे कि क्योंकि साल 2021 का गवन करते हैं भगवान बुध और बुध कारक हैं ग्रीनरी के, हरियाली के, नएपन के, नई सोच के, तो अपने बुध को एनर्जी देने के लिए इस साल हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनको पानी देना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, घर के सभी बड़ों को समान रूप से इज्जत करनी चाहिए, खास तौर पर अपनी माताजी और पिताजी का आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे आप अपने चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों को अच्छा कर लेते हैं। और सबसे खास टिप और अहम मैं आप सबको यह देना चाहूँगी कि आप जिस भी किसी सड़क या रास्ते पर से गुजरते हैं वहाँ पर पड़ी हुई कोई ईंट या पत्थर आपको दिखाई दे तो उसको उठाकर आप सड़क के साइड में रख दें या कचरे में उसको निकाल दें। आप देखना ऊपर वाला आपके कामों में आने वाली अड़चनों को कितनी जल्दी हटाता है। तो नया साल आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, आपको हर परेशानी से मुक्ति मिले। तो मिटाकर 2020 की टीस उम्मीदों के साथ स्वागत कीजिए। ये है 2021। हैप्पी न्यू ईयर।